नमस्कार, मेरा नाम है शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 3 स्वरोजगार योजनाएं बंद, 80,000 लोगों की सब्सिडी रुकी। सरकार के इस कदम से बैंक काफी परेशान। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कृषकों के बीच बच्चों के लिए शुरू की गई 30% तक की अनुदान वाली स्वरोजगार योजना सहित 3 योजनाओं को अचानक बंद कर दिया गया है। इन योजनाओं में स्वरोजगार और उधार लगाने के लिए बैंकों से कर्ज लेने पर मध्य प्रदेश सरकार अनुदान के साथ बैंक की प्रचालित ब्याज दरों में 6% तक की सब्सिडी मिलती थी। प्रदेश सरकार के लघु सूक्ष्म और मध्य उद्यम विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी बैंकों को पत्र लिखकर दो टुक लहजे में कहा है कि वे इन 3 योजनाओं में एक भी आवेदन अनुदान या फिर सब्सिडी के लिए न भेजे। बैंकों के पास इन 3 योजनाओं के कोरोना काल में अलग अलग वजहों से नौकरी गंवाने वाले करीब 80,000 लोगों के लोन के लिए आवेदन किए गए थे। इसके बाद बैंकों ने अनुदान और ब्याज सब्सिडी की स्वीकृति के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भेज दिया था। 21 वर्ष से छोटे युवाओं को प्रवेश, स्मोकिंग जोन बनाए, नाबालिग को बना रखा था सिगरेट सेल्स गर्ल्स। शहर में बढ़ते नशे के कारोबार के बीच जिला प्रशासन ने 6 पब और 11 बार 31 दिसंबर तक के लिए सील कर दिए हैं। इससे पहले अफसरों की टीम ने 2-3 दिन तक इन पर नजर रखी थी। इसमें पता चला कि ज्यादातर पब और बार में 21 वर्ष से छोटे युवाओं को प्रवेश दिया जा रहा है, स्मोकिंग जोन बनाया गया है। एक पब में कम उम्र की लड़की को सिगरेट सेल्स गर्ल्स बना रखा था। वह सभी को सिगरेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, नाच गाना भी चल रहा था। कलेक्टर मनीष सिंह ने बार बार पब में स्मोकिंग जोन बनाने पर रोक लगाई थी। सहायक आयुक्त आबकारी राजनारायण सोनी ने कहा है कि आगे भी उल्लंघन किया तो लाइसेंस निरस्त करेंगे। पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 12 लोगों पर मामला दर्ज कराया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाने का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने जैन समाज के एक महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए भोपाल की फिजा बिगाड़ना चाहिए। इसको लेकर पूर्व महापौर आलोक शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत पर रविवार देर रात कोतवाली पुलिस ने नामजद समेत 12 से ज्यादा लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया है। पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने बताया कि वह और उनके परिचित व्यापारी कुछ सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। रविवार को इन ग्रुप पर एक मैसेज सर्कुलेट हुआ जिसे जैन समाज के महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। 9 माह बाद खजराना गणेश मंदिर पहुंचे 30,000 से ज्यादा भक्त। 9 महीने बाद खजराना मंदिर में रविवार को बड़ी संख्या के श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में यह पहला मौका है जब भक्त गणेश जी के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे। खजराना मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट के मुताबिक 23 मार्च के शाम को मंदिर को आम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। रविवार को छुट्टी का दिन होने से भक्तों की संख्या बढ़ी है। सुबह से शाम तक 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने खजराना गणेश में दर्शन किए। 30 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 400 के नीचे। संक्रमण दर अब 8.08%। सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्रों में विजयनगर टॉप पर। शहर में 30 दिन बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 400 से नीचे पहुंचा है। रविवार को 386 पॉजिटिव केस सामने आए। इससे पहले 19 नवंबर को 313 संक्रमित एक ही दिन में सामने आए थे। वही संक्रमण दर की बात करें तो उनमें भी काफी कमी आई है। 2 दिसंबर को संक्रमण दर की 11.61% थी, 18 दिसंबर को ये 8.08% हो गई। रिकवरी रेट पर जाए तो 90% से ऊपर पहुंच गया है। इसी का परिणाम है कि अस्पतालों में आईसीयू बेड 50 से ज्यादा खाली है। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।